देश में लागू हुए नागरिक संशोधन बिल को लेकर जहां देश की राजधानी दिल्ली सहित कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस बिल को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। आज मुरादाबाद के आर्य समाज से जुड़े लोग अपने हाथों में बिल के समर्थन का बैनर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए डीएम मुरादाबाद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया। ये आज पहले नाम बताइए। मेरा रमेश आर्य है। रमेश जी, एक किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन? ये आज राष्ट्रपति के नाम धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा है, जो भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया है उसके समर्थन में ये राष्ट्रपति को धन्यवाद जिला आर्य समाज मुरादाबाद की ओर से दिया जा रहा है। हम लोग इस आशय का ये धन्यवाद प्रस्ताव कर रहे हैं कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जितने भी हमारे देश के नागरिक बाहर गए और बाहर उन देश के हमारे नागरिकों पर जो जहां रह रहे हैं उन देश में उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ बहुत जघन्य अपराध हो रहे हैं और उनको अपनी और अपनी जमीन की अपनी संपत्ति की अस्मिता बचाने के लिए अपने जीवन उनको गंवाने पड़ रहे हैं, तो भारत सरकार ने उनको वापस लाने के लिए उनको नागरिकता देने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, जो मानवीयता का कार्य किया है जिससे मानवता जिंदा रहे, उस आशय से हम राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं। और देखिए, हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि देश के किसी नागरिक को ये कहा जा रहा है आप नागरिकता का परिचय दो या आप इस देश के नागरिक नहीं है और या इस देश से आप बाहर जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये देश में जो विरोध हो रहा है, असमंजसता का जो माहौल पैदा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमारा ये मानना कि पहले विधेयक को पढ़ें, पढ़ने के बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया भी दे। बुद्धिजीवियों का यही आशय है कि कोई भी विषय है उसे विषय को समाज में लाने के लिए, समाज में फैलाने के लिए पहले उसको पढ़ा जाए। अगर विरोध हो रहा है और काफी शहरों में विरोध हो रहा है, किस वजह से देखते हैं इस विरोध को? देखिए, हम ये कह रहे हैं ये केवल राजनीति या धर्म के आधार पर वो कर रहे हैं। भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनको कहीं भी इस विधेयक में ये नहीं कहा कि आप बाहर जाओ यहाँ से या आपको पुनः नागरिकता देने के लिए आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता है। वो हमारे भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको उकसा रखा है जिससे कि देश का माहौल खराब हो रहा है।